आखिर एक बार फिर क्यों सुर्खियों में है क्रिकेटर मोहम्मद शमी? ऐसा क्या हुआ जिसे चर्चा के केंद्र में आ गए हैं शमी? कोलकाता में टीम इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के साथ जो हुआ उसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं रहा होगा। यहाँ कुछ लोगों ने शमी से न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उनके घर पर भी जमकर हंगामा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद शमी शनिवार को अपनी वाइफ के साथ कार से घर लौट रहे थे। गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था। शमी जब घर के बाहर पहुँचे तो उनका ड्राइवर गाड़ी को पार्किंग में लगा रहा था। इस दौरान कथित रूप से उनकी गाड़ी किसी मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके बाद मोटरसाइकिल वाले ने शमी के ड्राइवर से बहस शुरू कर दी। मामला बढ़ता देख शमी गाड़ी से बाहर आए और मामले को शांत कराने की कोशिश की। शमी के मुताबिक हंगामा कर रहे लड़के शराब के नशे में धुत थे। हालांकि किसी तरह मामला शांत कराने के बाद शमी अपने घर गए और खाना खाकर बैठे थे। तभी वो लड़का अपने 3-4 साथियों के साथ वापस आया और शमी के घर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान केयरटेकर्स ने लड़कों को अंदर जाने से रोकने की काफी कोशिशें की, लेकिन एक लड़का ऊपर जाने में कामयाब हो गया। लड़के ने ऊपर जाकर शमी के दरवाजे पर धक्का मारा और उनको जान से मारने की धमकी दी। हालांकि पूरी वारदात के बाद शमी ने जादवपुर थाने में इस घटना की शिकायत की, लेकिन जब तक पुलिस पहुंच पाती लड़के फरार हो चुके थे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तीनों लड़कों को अब गिरफ्तार कर लिया है। वैसे भी ये कोई पहला मामला नहीं है जब मैदान के बाहर शमी सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले भी जब शमी ने अपने फेसबुक पेज पर अपनी पत्नी की फोटो पोस्ट की थी तब कुछ लोगों ने भद्दी टिप्पणियां की थी। वहीं एक बार शमी ने फेसबुक पेज पर ही एक कुत्ते के साथ फोटो डाली थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने इस पोस्ट पर उन्हें गैर इस्लामी कहना शुरू कर दिया था। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।